शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल फॉर वन जीरो फाइव नाइन वन एच ऑन वन ही गेन नाइनटीन परसेंट एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट इलेवन परसेंट वॉज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट करेक्ट टू वन डेमल प्लेस आपको सेलिंग प्राइस गिवेन हैलिंग प्राइस गिवेन है वन जीरो फाइव नाइन वन हमने दो बार इसलिए लिखा है कि टू आर्टिकल को इसने सेल किया था Cost पे इसको 19 परसेंट का प्रॉफिट है और दूसरे पे इसको 11 परसेंट का लॉस है करेक्ट तो जिस पे 19 परसेंट का प्रॉफिट है तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस का कितना होगा कॉस्ट प्राइस का 119 परसेंट हो जाएगा और वो वैल्यू किसके इक्वल है 10591 देखो सिंपल सा तरीका है सौ तो रुपए का अगर मान लो कोई आर्टिकल है और उस पर दस प्रॉफिट हो रहा है जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आता है 110 हमने सेम चीज यहाँ पे यूज कर लिया है सीपी ओरिजिनल अपने आपका 100% होगा उस पे परसेंट प्रॉफिट ऐड कर दिया तो सीपी का 119% 10591 है तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10591 17 से आपको पता ही है डिवाइड हो रहा है 7 17 6 2 टू थर्टी फोर इक्यावन तो ये थ्री सेवन सेवन इन टू एट फिफ्टी सिक्स तो यहां से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा एट नाइन जीरो जीरो सेकेंड केस में क्या कह रहा था यहाँ पे इलेवन परसेंट का लॉस है वॉट डज इट मीन कि सीपी का एट्टी नाइन परसेंट वो किसके इक्वल होगा वन जीरो फाइव नाइन वन अगेन सौ रुपए का आर्टिकल है और उस पर इलेवन परसेंट का लॉस है तो आप कितने में बेचोगे उसको एट्टी नाइन में तो ये एट्टी नाइन से डिवाइड होगा हंड्रेड एंड टाइम्स अब यहीं पे जादू है मैंने तो डिवाइड करके लिख दिया है तो आप डिवाइड करते रहना तो सी पी इज टू आपको मिल जाएगा वन वन नाइन जीरो जीरो तो टोटल सी पी कितना होगा इस दोनों का सम हो जाएगा लास्ट में टू जीरो नाइन और नाइन तो ये एटीन एट और वन नाइन और वन तो जीरो एंड ये टू तो ये मिल जाएगा आपको सी टोटल एस आपका कितना हो जाएगा सिंपली आप इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू ये एटीन ये वन वन और ये टू टू डबल वन एट टू तो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है ऑफकोर्स प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट है जो इस दोनों का डिफरेंस है तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आप सिंपली टू जीरो एट जीरो जीरो सब्सट्रैक्ट कर दो करेक्ट तो ये टू ये एट ये हो जाएगा थ्री तो ये आपको मिल गया प्रॉफिट अब टोटल आपको एट टू का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे टू जीरो जीरो और इसको आप क्या करोगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई टू टू जीरो से टू जीरो कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा थ्री एट टू डिवाइडेड बाई टू जीरो एट और ये परसेंटेज टर्म में आएगा टू से इसको डिवाइड करोगे तो होगा ये वन नाइन वन और ये टू से इसको डिवाइड करोगे तो, तो यहां से ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट एट थ्री आएगा करेक्ट है तो हमारा आंसर क्या होगा वन पॉइंट एट थ्री प्रॉफिट परसेंटेज तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ फ्रेंड्स